देखा था, तब तो अच्छा बना था, अब क्या हो गया तुझे? मुझे किसी ने पानी नहीं डाला। ओ अच्छा, और ये देखो कितना सारा गंदगी पड़ी है यहाँ पे, क्या हो गया यार आप सब लोगों को? जो पेड़ हमें ऑक्सीजन फल फूल देता है हम उसे भी नहीं छोड़ते। चलो अब आप तो साफ करोगे नहीं, मुझे ही साफ करना पड़ेगा। पुष्पा छोड़ेगा नहीं, चले जाओ पानी की बॉटल, तुम लोगों की वजह से झुकना पड़ रहा है मेरे को। ये देखो चिप्स के पैकेट, ये देखो लिटर भर गंदगी पड़ी है, झुकना पड़ा मेरे को तुम लोगों की वजह से। अच्छा काम करा, गार्डन गार्डन हो रही है मेरा, तो इतना मजा आ रहा है मेरे को। तू तो सच में मारा दोस्त का निकला भाई, तू ही मेरा दोस्त है, आ जा दोस्त। अरे भैया ये तो बहुत मीठा है, मजा आ रहा है। किसी ने सच ही कहा है मेहनत का फल तो चलो पेड़ों की सारी सेवा कर दी जाए। देखो कैसे चाय आने लगी उस पे, मैंने पानी डाला तो देखो कैसे खिलने लगा, और डाल के देखता हूँ देखो कैसे खिलने लगा, लगता है इसमें पूरी पूरी जान आ गई है। अब तो मैं ना इसको हर दिन ऐसे पानी डालूंगा। बोल रही है यार पेड़ों की छांव में आराम कर लिया जाए। हेलो हाँ सुमित जी, हाँ क्या हुआ हमारे मेट्रो लाइन का? अच्छा अच्छा ठीक, फाइनल हो गई, बहुत बहुत बधाई हो आपको, वेरी गुड सुमित जी। ठीक है सुमित जी, मुझे सामने ऑफिस में आके मिलिए। ओके 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 बाय। हाँ मिसेस रोजी क्या कह रहे थे आप? सर दिस इज द साइड ऑफ नॉर प्रोजेक्ट। क्या क्या बनने वाला है मिस्टर जोशी यहाँ पर? अरे यहाँ पर एमएनसी रहेगी। अच्छा अच्छा वहाँ पर, वेरी गुड वेरी वेरी गुड। और सर यहाँ पर मॉल रहेगा। अच्छा अच्छा वहाँ पर दुनिया का सबसे आसान बनेगा हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर अपना होटल रहेगा। अच्छा अच्छा वहाँ पर दुनिया का सबसे आसान होटल बनवाएंगे, चौड़ी वाले देखते रह जाएंगे। हाँ मैनेजर साहब, सर यहाँ तो पहले से ही बहुत हरियाली और पेड़ पौधे।
मुझे कुछ नहीं पता मैनेजर साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये साइट बहुत पसंद आ रही है, मुझे यहाँ दो दिन में काम चालू करना है। लेकिन सर लोगों का क्या होगा? वो का क्या है, लोगों को मुआवजा दे देंगे और आप सभी जान रहेंगे मैनेजर साहब। ठीक है मैनेजर साहब, आप काम चालू करवाइए, बाकी सब हम देख लेंगे। ओके मिस्टर ओके, बहुत ही शानदार साहब, बहुत ही शानदार साहब। और क्या सब कुशल मंगल? सब बढ़िया साहब जी। एक काम तो तुम्हारे लिए कर पाओगे? जी साहब जी बोलिए। पेड़ दिख रहे हैं ना, इन्हें दो दिन में काटना है, अगे तो और मजदूर ले लो, लेकिन काम हो जाना चाहिए। जी साहब जी हो जाएगा, पर थोड़ा खर्चा पानी मिल जाता तो अच्छा रहेगा। काम किए ने एडवांस पानी चले, चलो जाओ काम शुरू करो। जी साहब जी। रामू एक एक करके सारे पेड़ काट दो। साहब देखिए इसे, अभी पेड़ काट रहा है साहब। अरे अरे तुम्हें पता नहीं यहाँ मॉडर्न होटल बनने वाला है? साहब यहाँ पे शाम को बच्चे खेलने आते हैं। बच्चे सामने के बाद भी खेल सकते हैं? बहुत शायद आपको पता नहीं, यहाँ पे शाम को बॉस के बच्चे भी खेलने आते हैं। बॉस के बच्चे भी सामने के पार्क में खेल सकते हैं? साहब जिस तरीके से आप आज यहाँ से ये पेड़ काट दोगे, उस तरीके से आप वहाँ सामने वाले पार्क के भी पेड़ उसी तरीके से काट दोगे। मुझे उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे मेरा काम करने दो। चोर हटाओ, चलो हटो यहाँ से। कहाँ बोल रहे तुम, समझ ही नहीं आ रहा। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जनता कोई गैर नहीं। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जनता कोई गैर नहीं। भोग विलास के इस दर्दर में धरती तेरी खैर नहीं। भोग विलास के इस दर्दर में धरती तेरी खैर नहीं। क्या हो गया है इस पढ़ी लिखी पीढ़ी को? हो सकता है आपके पास बड़े बड़े बंगले हो, लग्जूरियस लाइफ हो, बड़ी बड़ी कारें हो, लेकिन पेड़ ना होंगे तो सांसें ना होंगी। भविष्य की आशंकाओं से रूह कांप सी जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको भविष्य से छोटा सा परिचय करवा रहे हैं। ये चलते हैं साल 2050 की ओर। टीना बेटा, टीना। हाँ माँ आई। बेटा क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बस एक लेबल और। तुम्हारा रोज का यही है दिन भर फोन, क्या है? कुछ नहीं। ये लो तुम्हारी बॉटल, ये तुम्हारा टिफिन, और सबसे जरूरी ये तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर। ये क्या माँ डेली डेली का? ये क्या माँ डेली डेली का? ये क्यों पोस्ट थमा देते हो? क्या आपके समय में भी आप ये सब लेकर जाते थे? नहीं बेटा, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। हमारे जमाने में चारों ओर हरियाली होती थी क्योंकि पेड़ पौधे होते थे और वही हमें ऑक्सीजन देते थे। किंतु बदलते समय के साथ हम सभी इतने बदल गए और स्वार्थी हो गए कि हमने एक एक करके सभी पेड़ों को काट दिया और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या वह समय अब वापस नहीं आ सकता? बेटा वह समय जरूर वापस आ सकता है अगर हम एक एक पेड़ लगाए और बहुत सारे पेड़ लगाए। क्या आप सभी मेरे साथ पेड़ लगाएंगे? हाँ। चलो बेटा तुम्हारे बस का टाइम हो रहा है। अभी आपने देखा कि टीना की माँ ने टीना को पेड़ों के महत्व के बारे में बताया, यही बताया कि कैसे